तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का एक नज़ारा खूबसूरत दिखाया जो कि कलश की तैयारी में सभी औरतें और सभी लड़कियां जा रही थी, डांस भी हो रहा था, आपने देखा खूबसूरत नज़ारा था। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं चिकू तिरुपति बालाजी के अंदर, जो गेट है उसके अंदर हम प्रवेश करेंगे, हम और हमारे बड़े भैया सुरजीत अदक जी जो कि दिल के बहुत करीबी हैं। और ये आपका गेट है, गेट से हम लोग अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद लेके आप खा सकते हैं, बच्चे का खेलने का है एरिया, यहाँ से हम लोग चलेंगे। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत नजारा है। तो अंदर आने के लिए आप लोगों को पूरा गेट है आपका, पीछे से गेट दिखता है, जूता चप्पल सभी उतार के अंदर आना है, ऐसा नहीं आ सकता है। यहाँ से मिठाइयाँ हैं, जैसे प्रसाद वगैरह लेके जाके अपने दर्शन कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। नया मंदिर ये बन रहा है, जैसा कि देख सकते हैं गुरुद्वारा, एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो मंदिर बन रहा है वो भी खूबसूरत मंदिर बन रहा है, वो भी आप देख पा रहे होंगे। लाइटिंग के ऊपर देखो कितना अच्छा डिजाइन बना है, मोर का, मोर का पूरा डिजाइन लाइटिंग का पूरा। इधर देखिए दोस्तों ये कितना बड़ा जो है रोड है, यहाँ से जो इनका जो इंट्रेंस का अंदर का जो है रोड बहुत चौड़ा है, ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं जा रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। और ये देहाती इलाका है, गांव इलाका है, यहाँ पे भीड़ जो है हर रोज की भीड़ है, हर रोज दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु और जाते हैं। तो हम लोग इसका अंदर जो आएगा पहले देखिए, आप ऊपर देखिए कितना बड़ा है ये, देखिए दोनों साइड दो पत्थर का हाथी और हाथी रखा है शो के लिए, बहुत अच्छा है, जो बच्चे लोग फोटो खींच रहे हैं। जैसे कि हम लोग अंदर चल रहे हैं अभी, जैसे हम लोग अंदर आ गया, जैसे जैसा एंट्री कर लिया, सरस्वती जी है ऊपर देखिए, ऐसा डिजाइन है इस तरफ देखिए, राइट भी डिजाइन है, डिजाइन रखा है। ठीक है, फिर हम लोग अंदर चलता है, चिक तिरुपति का है ये, जैसे लेफ्ट साइड लेना है, लेफ्ट साइड धोना, हाथ पैर धोना है, देखिए अभी लोग सभी इधर से आके हाथ पैर धो रहा है। तो इधर मोबाइल अलाउ नहीं है, तो हम लोग पैसे भी करके जेब में डाल कर लेके जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा देखिए, थोड़ा बहुत गलती होगा तो माफ कर दीजिए। जैसे कि हम लोग अंदर जा रहा है अभी, जैसे रोड से आता जाना जा रहा हूँ, इधर हम लोग चिक्का तिरुपति का अंदर घुस गया है, अब देख सकते हैं अंदर कैसा एरिया है। तो इधर नारियल तोड़ने का एरिया है, इधर नारियल तोड़ता है हम लोग, देखिए कितना सारा आदमी नारियल तोड़ रहा है, पूजा करके नारियल तोड़ रहा है। नारियल तोड़ के मन का जो कमना है उसको देखे, नारियल तोड़ना है, देखिए सभी आदमी नारियल तोड़ रहे हैं, तुलसी का पत्ता ले रहा है, कुमकुम ले रहा है, तुलसी का पत्ता ले लो थोड़ा, जैसा तिरुपति का है गोविंद गोविंद बोलना है। हम लोग
मतलब कुमकुम ले लिया, चले अंदर चलते हैं। गोविंदा। जैसा हम लोग अभी सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएगा, ये रेस्ट करने का एरिया है सर, ऊपर जाके हम लोग नीचे जा रहे हैं। जैसा ये लाइन से अंदर जाना है, हम लोग अंदर लाइन से जा रहे हैं अंदर। देखिए कितना लाइन है, इधर कैमरा अलाउ नहीं है। देखिए लाइन से अंदर जा रहा हूँ, देख सकते हैं कितना लाइन है। देखिए मंदिर का वेबसाइट है, इधर इतना आदमी ऐसा भी लाइन पे है। आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, क्षमा चाहेंगे, जितना हो सकता है उतना दिखा पा रहे हैं, क्योंकि तिरुपति बालाजी का दर्शन कराएंगे, कोशिश रहेगी हमारी पूरी, हम दिखाएंगे आपको। आप देखिएगा ध्यान से, देख सकता है इधर कितना लाइन है। देखिए इधर मोबाइल अलाउ नहीं है, तभी भी हम लोगों को जितना हो सकता है हम लोग दिखाता है। गोविंदा। हम लोग लाइन से जा रहे हैं अंदर, इतना लाइन है। जैसा कि इधर हॉट जगह कैमरा लगा है, ये टेंपल का साइट साइट है। हम लोग अभी सब लाइन पे हैं। गोविंदा। हम लोग लाइन पे हैं अभी भी। जैसे कि इधर कैमरा अलाउ नहीं है, तभी हम लोग छुप छुप के पकड़ रहे थे। इधर से लाइन लगा के इधर से आया, इधर कैमरा अलाउ नहीं है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जैसे ये अंदर जाने का है, गेट है। गोविंदा 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 गोविंदा। रुकने के लिए नहीं दिया, बहुत सारा आदमी है। हम लोग बाहर आ गए मंदिर से, बाहर अंदर छाने नहीं दिया। तो बालाजी का टेक्स दर्शन नहीं हो रहा है।
लोकल लोकल करना जैसा कोई अंदर अंदर रुकने के लिए नहीं दिया हम लोग बाहर आ गया, इधर कुमकुम लेना है मार दे उसी में हम लोग मास्क पहना हुआ है तो ये मालूम नहीं है मास्क है बस, तो मास्क को पर्सी खा लिया बहुत ही गाना दर्शन में जाके इधर बैठना जरूरी है मंदिर पे और क्या ना, तो हम लोग थोड़ा इधर बैठ लेते हैं इधर सब बैठने के लिए रेस्ट करने के लिए जगह। देखिए इधर बहुत सारा बंदर है, बहुत सारा बंदर है इधर, तो हाथ पे आप कुछ भी लेके जाएगा तो बंदर लोग खा लेगा हाथ से। देखिए अब हाथ से कुछ भी लेके जाएगा तो खा लेता है। देखिए ये आउट आउट जाने का रोड है, इधर सीन होके आउट जाना है। जैसा हमारा धनंजय यादव जी है, हमारा साथी है, हमारा साथ रहता ही नहीं। देखिए ये बाहर आने का रोड है, सभी आदमी बाहर है, हम लोग बाहर की तरफ जा रहा हूँ। ये बाहर की तरफ है, जैसा थोड़ा गेट पे आ गया हम लोग बाहर पे। देखिए प्रसाद मिल रहा है, देखिए प्रसाद लेना है इधर। जैसे कि हम लोग प्रसाद ले लिया, देखिए प्रसाद सेल हो रहा है इधर उधर। देखिए बाहर का एरिया आ गया, इधर सब ये खाने का प्रोग्राम है। देखिए ये बाहर का सीन है, कैसा है देखिए बाहर का सीन है। मिक्सचर सभी पकौड़ा जिलेबी मूढ़ी कोल्हापुरी इस तरफ भी सेम है। देखिए बच्चों का खिलौना है, बच्चों लोगों का खिलौना सब कुछ है। कैफ है, ठंडी का टाइम है, इधर फोटो वगैरह सेल हो रहा है। देखिए भगवान जी का फोटो है बच्चों का। ये हाथ का वाला है, तवा का है, हर टाइप का है। देखिए वाला रिंग अंगूठी, तो इधर भी है। देखो बांसी कितना अच्छा बांसी बजा रहा है, देखो जो पूरा गाना गा देता है बांसी में से, गाना गा रहा है बांसी में। देखो दिन भर यही सेल करते रहते हैं इधर चिक तिरुपति में, वो हर टाइप का गाना जो गाना बोलेगा वो हर टाइप का गाना गा के सुनाएगा। देखिए अभी हिंदी गाना गा रहा है, तुझे देखा तो है जाना सुना, क्या कारागर है। देखिए बैंगल है, बच्चे का खिलौना है, बैंगल
बच्चों का खिलौना इधर आ गया। अभी टैडी वगैरह है, टैडी बियर वगैरह कितना अच्छा है, वहाँ मुंडी हिलता है, हिला रहा है। फोटो वगैरह है, यहाँ पे मार्केट भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगता है। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। हिंदुस्तान की धरती, सबसे महान है, इसीलिए कहा जाता है इंडिया इज द गोल्डन वन, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। यहाँ पे छत्रपति में है जो बाल का मुंडन होता है, यहाँ से देख सकते हैं। ये स्टैंड है।